हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम करमजीत। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एडुकेटर करमजीत। एडुकेटर करमजीत चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में आर्टिकल का पार्ट फोर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की बात करेंगे, जिसमें आर्टिकल्स नहीं लगता। तो पिछले चार सेशंस में, तीन सेशंस में हमने लर्न किया कि फर्स्ट सेशन में मैंने आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था, सेकंड पार्ट में हमने ए एन और वन का यूजेस देखा था, थर्ड पार्ट में हमने यूज़ ऑफ द सीखा था, और आज के इस पार्ट में हम लर्न करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ए एन द। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आर्टिकल ए एंड द नहीं लगता, और कौन से एक्सेप्शंस हैं जहां पर आर्टिकल लगता है। तो चलिए फिर हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। माय नेम इज़ करमजीत सिंह, माय यूट्यूब चैनल इज़ एडुकेटर करमजीत। ओके, तो इस चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब करिए एंड लाइक और शेयर करिए, तो जिससे कि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें। यस, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आर्टिकल इज़ ओमिटेड। आर्टिकल में वो चीज़ जहाँ पर आर्टिकल का यूजेस नहीं होता, राइट? जैसे इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखिए। टू अवॉइड द रॉन्ग यूज ऑफ आर्टिकल्स, इसका ओमिटेड का मतलब क्या होता है, या ओमिशन का मतलब क्या होता है, रॉन्ग यूज ऑफ आर्टिकल्स, रॉन्ग यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। ओके, हमारी ना एक इंसानी फितरत ये है कि हम हर सेंटेंस में द द द लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि ए एन द, ए एन तो हम लगाते ही नहीं हैं, स्टाइल मारने के चक्कर में। तो सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, कोई आ गया था मेरे रूम में, मेरी वाइफ आ गई थी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन, ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही रहे थे। तो बेसिकली ओमिशन का मतलब क्या होता है, ओमिशन का मतलब होता है जब आप आर्टिकल का सुपरफ्लूअस यूज़ करते हैं। सुपरफ्लूअस तो वही हो गया ना कि जहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह से आर्टिकल का भी इसी तरह से यूज़ होता है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिफोर अ प्रॉपर नाउन। अब जब वो प्रॉपर नाउन है तो उसके नाम के साथ हम कभी भी द नहीं लगाते। जैसे देखो, चंगेज खान, क्या हमने यहाँ पर द यूज़ किया? नो, आता ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, किसी पर्टिकुलर नाम के साथ नहीं लगाते। लेकिन उसको ये बताने के लिए कि वो क्रूअल है, तब हम लगाते हैं। चंगेज खान वॉज, वैसे तो चंगेज खान ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, आई थिंक गेंगेज ऐसा कुछ नाम है उसका, इसी तरह से कुछ स्पेल आउट करते हैं, मुझे एग्जैक्टली तो मैंने देखा नहीं है, बट मैंने अपने तरीके से चंगेज खान लिखा है, बट देख लेना। तो इस तरह से वहाँ पर अ क्रूअल किंग इन हिज टाइम होगा, राइट? तो इसके नाम के साथ तो हमने लगाया नहीं है ना, यहाँ हम लगा सकते हैं क्योंकि क्रूअल एक उसकी यूं कह लो कि उसकी विशेषता है। When article used before a proper noun, it becomes a common noun. अब कोई article किसी एक proper noun के साथ जब लग जाता है तो वो common noun हो जाता है। ये एक तरह से star लगा के मैंने बताया, इसको आप यहाँ पर, ये star है थोड़ा सा ना, ये picture phone की clarity से थोड़ा सा देख लेना आप, ये है। तो जैसे क्या हमने कभी द मुंबई देखा है? नहीं, वैसे तो आपने मुंबई देखा होगा, लेकिन क्या जब नाम लिखते हैं मुंबई, मद्रास या चेन्नई, क्या उनके नाम के साथ लिखते हैं? हाँ, ऐसे कह सकते हैं, द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, द पंजाब एंड महाराष्ट्र, बैंक ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र, ऐसा कुछ था, एक घोटाला भी हुआ था लास्ट ईयर, तब हम कह सकते हैं क्योंकि वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पर द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, द कमर्शियल, ये क्या है, एक तरह से प्रॉपर को कॉमन नाउन बना देता है। जैसे दिस मैन इज अ सेकेंड सर डॉन ब्रैडमैन, अ सेकेंड सर डॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट। बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस,
मैन इज मॉर्टल, अ मैन इज मॉर्टल नहीं होगा। देखिए अगर हम ऐसे लिखते हैं अ मैन इज मॉर्टल, इसका मतलब है कि एक आदमी है, हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, जबकि हमें यह बताना चाहिए कि हम पूरी कम्युनिटी को डिनोट कर रहे हैं। मनुष्य, मनुष्य कौन है, मेल और फीमेल, ओके। तो वहां पर मैन जो वर्ड है पूरी कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है, ओके। तो जब पूरी कम्युनिटी को डिनोट करता है तो उस केस में हम वहां पर आर्टिकल लगाते ही नहीं है। अ मैन इज अ मॉर्टल, एक्चुअली इट्स रॉन्ग सेंस व्हाइल राइटिंग समथिंग। तो वहां पर आप क्या कहेंगे, मैन इज मॉर्टल, ओके। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब एक चीज और देख लेते हैं, ये व्हाट काइंड ऑफ वाला आगे वैसे तो आएगा, लेकिन मैं देख ले बता देता हूं आपको, थोड़ा आगे आसान हो जाएगा। जब कभी भी व्हाट काइंड ऑफ आ जाए, ये वाला वर्ड लिखा हो, तो उसके बाद आर्टिकल नहीं आता। व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इट इज, अ बर्ड इट इज नहीं होगा, जो मैंने यहां पर क्रॉस किया हुआ है। गाइज आपसे ना एक छोटा सा फीडबैक लेना चाहता हूँ, अगर आपने ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो ये बस थोड़ा सा मुझे बता देना कि ये जो पीछे का बैकग्राउंड है और ये जो लेक्चर की राइटिंग का जो है आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि लेक्चर बहुत अच्छे हैं। और बेशक मैं मतलब इतना फेमस तो नहीं हूँ, लेकिन जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यू वॉन्ट, आई एम गिविंग यू। दिस इज़ वन ऑफ वी कैन से द एडवांटेज for you, for your education। ये actual में एक paid content वाले lecture हम कर रहे हैं, but हम free में करेंगे इसको। मैं चाहता हूँ कि हम free में करें, learn करें। learn करने में के में क्या जाता है, nothing, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी kind of वाली। चलिए आप कहेंगे सर हर क्लास में ना खांसी जरूर करते हैं, तो लेक्चर रिकॉर्ड करते टाइम ना ये चीज़ें हो जाती हैं, आपकी इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है, तो ये एक नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। बिफोर प्लूरल नाउन्स रेफरिंग अ क्लास ऑफ जनरल सेंस, कोई भी प्लूरल नाउन है तो वो जनरल सेंस को डिनोट करता है, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे द मॉन्क्स आर जनरली ऑनेस्ट, तो सिंपल सेंटेंस हम लिखते हैं। वैसे तो हम अगर वो स्पेशलाइज हैं, वो बहुत ज़्यादा यूं कह लो कि स्पेशलाइज हैं, तो द मॉन्क्स कह सकते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं समझाता हूँ आपको, हाँ ये मैंने एक लेक्चर में शायद मैंने फर्स्ट या सेकंड मुझे याद नहीं है, शायद मैंने एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में समझाया था, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मॉन्क्स को ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा हो, वहाँ पर शायद मैंने शायद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बताया था, चेक कर लेना एक बार प्लीज। अ मॉन्क्स द मॉन्क, द मॉन्क्स, ओके, मॉन्क, मॉन्क्स। अब मुझे ये बताइए इनमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। एक मिनट, 30 seconds लगाइए, एक मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 30 seconds यू हैव, करिए, देखते हैं कितने लोग जानते हैं। Yes, देखो अगर आप अ मॉन्क कहते हैं बिल्कुल सही है, वहां पर सिंगुलर की बात हो रही है। अगर आप अ मॉन्क्स कहते हैं तो सरासर गलत है ये, ओके। द मॉन्क सिंगुलर, द मॉन्क्स प्लूरल सही है, मॉन्क भी करेक्ट है और मॉन्क्स भी करेक्ट है, ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि ये देखो ए लगाया हमने और मॉन्क्स कह रहे हैं, यहां पर प्लूरल है यहां पर सिंगुलर, तो मिसमैच हो गया ना। आर्टिकल में हमने क्या सीखा, किसी पर्टिकुलर सिंगुलर चीज है, काउंटेबल है, तो उस केस में हम आर्टिकल ए लगाते हैं, लेकिन ए एन लगाते हैं ऑब्वियसली। लेकिन जहां पर अनकाउंटेबल चीजें हैं वहां पर सिंगुलर लगाते हैं, लेकिन वहां पर हम आर्टिकल नहीं लगाते। ये मैं आगे चल के बताऊंगा आपको इसी सेशन में। तो ये चीज समझ में आ गई, तो मॉन्क्स के बारे में हमने ये बेसिक सा फंडा समझ में आ गया होगा आपको,
आई होप इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो उसको मैं रब कर देता हूँ। जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको आप पॉज करके एक बार ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट एक्सप्रेस क्वालिटी स्टेट फीलिंग एक्शंस। देखिए इनके साथ हम आर्टिकल क्यों नहीं लगाते ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये बेस्ट पॉलिसी बेस्ट के साथ तो हम आर्टिकल लगा रहे हैं क्योंकि ये एक सुपरलेटिव है। ओके इसके साथ तो हम लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टी तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या हम ऐसे कहते हैं एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, तीन ईमानदारी? हम ऐसे नहीं बोलते। हम ऐसे बोलते हैं एक ईमानदार डिसीजन था, इस बंदे ने दो ईमानदार वाले डिसीजन रखे, है ना? कई बार बोलते हैं ऑब्वियसली, तो वो ईमानदार वाले डिसीजन को काउंट कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी को कहाँ, ऑनेस्टी को कहाँ काउंट कर रहे हैं? तो ये अब अनकाउंटेबल है। एब्स्ट्रैक्ट इज अनकाउंटेबल। वही एक प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि उसके साथ नहीं लगता एब्स्ट्रैक्ट के साथ, तो वही चीज़ है ना कि दिखाओ आपकी ईमानदारी, लाओ दिखाओ, समथिंग लाइक दैट। ओके तो इस तरह से फिर आर्टिकल हम यहां पर नहीं लगे। अनऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं कहेंगे, दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन। अगर वहां पर अनऑनेस्टी लिखा हो वो बाकी आगे सेम सेंटेंस हो, आगे वाला सेम हो, वो सेंटेंस गलत हो जाता है गाइस, बी केयरफुल। ओके बिफोर मटेरियल नाउंस ऑब्वियसली। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको कहूँ, जैसे मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई हुई है, क्योंकि कई चीज़ें मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो आगे चल के। मटेरियल है, क्या आप उनको काउंट करेंगे? चलो मैं कहता हूँ लाओ एक बठल बजरी दो, एक बठल तसला और क्या कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, कहते हैं हाँ जी लाओ, तो क्या आप ऐसा तो ना उसमें बजरी गिनने लग जाओगे? नहीं ना, मटेरियल है तो मटेरियल को कभी भी काउंट नहीं करते। तो कभी भी आयरन सिल्वर इनके साथ कभी भी नहीं लगता, आयरन इज अ, नहीं, आयरन इज अ हार्ड मेटल। वो ये कह रहा है कि वो एक हार्ड मेटल है, सिल्वर इज अ सेमी प्रीवियस मेटल, सेमी, वो एक एक सेमी प्रीवियस मेटल की बात कर रहा है, वो ना कि सिल्वर की बात कर रहा है। हाँ सिल्वर की बात कर रहा है, लेकिन क्या सिल्वर को आप गिन सकते हो? आप तो तोल सकते हो, कैरेट में सोना सोना और ये लोहा तोल सकते हैं, है ना? तो इस तरह से चलिए तो इनके साथ भी नहीं लगता। When material noun express things instead of matter, they are representing common noun. जब अब देखो इस चीज को देखो, वो ये कह रहा है कि जब material noun express करता है किसी matter को, अब देखो तब लगाते हैं। He threw a stone on train 18. उसने train 18 के ऊपर पत्थर फेंके, तो वहां पर एक पत्थर फेंका, तो वहां पर उसने एक पत्थर को फेंका। स्टोन को हम एक गिन सकते हैं, हाँ बिल्कुल गिन सकते हैं, क्योंकि बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी ट्रक में हो जाए, अगर मान लो ये बोले कि ऐसे करो 700 टन मुझे पत्थर चाहिए, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम 700 टन में पहले गिनेंगे कि कितने पत्थर चढ़ेंगे, फिर हम उसको उसको मतलब व्हाट वी कैन से उसको अमली जामा पहनाएंगे, मतलब मतलब उसको कंस्ट्रक्शन के काम में आगे शुरू करेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। शी थ्रू अ स्टिक एट द बुल, अब स्टिक एट द बुल, अब स्टिक तो हम गिन ही सकते हैं ना, तो मटेरियल की बात कर रहा है वो, ठीक है। देखिए वो यहां पर स्टिक एक मटेरियल है, ऑब्वियसली एक मटेरियल है, लेकिन वो गिन सकते हैं, वो काउंटेबल की तरह है तो मटेरियल लेकिन काउंटेबल है, ठीक है। तो वैसे लकड़ी तोल के भाव से आती है। चलिए बिफोर नेम ऑफ डिजीज लाइक फीवर कॉलरा कंजम्पशन एटसेट्रा, ही हैज अ फीवर, रॉन्ग सेंस है। कभी भी इनके साथ अ फीवर जैसा शब्द नहीं आता, लेकिन हाँ द मीजल्स द मम्स जैसे वर्ड यूज होते हैं। इस डायरेक्शन को पढ़ लो चाहे, इफ द नेम्स ऑफ डिजीज आर प्लूरल इन देयर फॉर्म्स द आर्टिकल्स इज जनरली यूज मीजल्स एंड मम्स। हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं, ये बहुत बढ़िया एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। ओके बी केयरफुल। बिफोर नेम्स ऑफ रेगुलर मील्स ब्रेकफास्ट लंच डिनर, हम ऐसे थोड़ी कहते हैं मैंने एक लंच किया एक डिनर किया, ऐसे कभी बोलते हैं नहीं ना, हम ऐसे कहते हैं मैंने एक चपाती ली डिनर में, आई वॉज इन्वाइटेड टू अ डिनर, गलत है ये, मैं एक डिनर का एक बात बताओ, एक दिन के अंदर डिनर कितने होते हैं? एक ही तो होता है ना, तो अब उसके साथ हम
काउंटेबल कैसे लगा देंगे, नहीं ना। बट इफ द मील बिकम्स पर्टिकुलर आर्टिकल इज यू द डिनर होस्टेड बाय द किंग वाज डिलीशियस, हाँ अगर वो पर्टिकुलर हो जाए आर्टिकल तो उसके साथ हम द लगाते हैं। जैसे देखिए ये देखिए द डिनर होस्टेड बाय द किंग, तो वो डिनर एक स्पेशल होगा, किंग ने इनवाइट किया हमें, मैनेजर ने इनवाइट किया हमें, ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं। बिफोर नेम ऑफ थिंग्स सिंगल इन काइंड हेल हेवन गॉड पार्लियामेंट पैराडाइज, लेकिन द पॉप द डेविल आर एक्सेप्शंस, इनके साथ हम लगा सकते हैं, पार्लियामेंट के साथ नहीं लगा सकते, पैराडाइज के साथ, हेल हेवन। अब देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, हेल हेवन का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदुइज्म में है, मुस्लिम में है, मुस्लिम कम्युनिटी में है, लेकिन कईयों में पता नहीं अलग अलग हर धर्म में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हमें उलझना तो नहीं चाहिए बट फिक्स नहीं है, तो हम फिक्स तो कह ही नहीं सकते ना, तो पता नहीं वहाँ कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, मिथ है एक तरह से, सच तो नहीं पता ना, तो वहाँ पर इस तरह से हम इस सेंटेंस को गलत ही मानेंगे। जैसे द हेवन इज़ अ हेल्प फॉर यू, द डेविल डिलीवर्ड अ हॉरेबल स्पीच, हाँ ये कह सकते हो, द डेविल डिलीवर्ड अ हॉरेबल स्पीच, द हेवन इज़ अ हेल्प फॉर यू। बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज एंड कलर्स, लैंग्वेज के साथ भी नहीं लगाते हम, अ पंजाबी द पंजाबी, हाँ द पंजाबी सॉन्ग्स हम कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड हैं, लेकिन अ पंजाबी जैसे वर्ड को यूज नहीं करते, आई डोंट नो पंजाबी बट आई नो गुजराती, तो इसमें कहाँ है, आर्टिकल ही नहीं है। चलिए बिफोर सर्टन टाइटल्स नेम्स इंडिकेटिंग म्यूचुअल रिलेशनशिप, जैसे प्रिंस चार्ल्स इज क्वींस एलिजाबेथ, इनके नाम के साथ भी अ प्रिंस चार्ल्स नहीं आएगा, ठीक है, इज अ क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ तो एलिजाबेथ तो एक ही है ना, पता है ना कौन है, ब्रिटेन की जो मोनार्की है वहाँ पे, उनकी सबसे बड़ी हेड है ये, ही इज ड्यूक ऑफ वेनिस, ही इज अ ड्यूक ऑफ वेनिस थोड़ी कहेंगे हम। बिफोर नाउन फॉलोइंग द एक्सप्रेशन काइंड ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखो, काइंड ऑफ के बाद नाउन फॉलोइंग द एक्सप्रेशन ऑफ काइंड ऑफ, एक मिनट, ये हाँ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, ये देख लो ना, इसके साथ सामने लगता ही नहीं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, व्हाट काइंड ऑफ के बाद अ तो है ही नहीं यहाँ पे, देखो कहाँ लिखा है, इन सर्टन फ्रेसेस गाइड गाइज, ये वाले फ्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ऑन डिमांड ऑन अ डिमांड नहीं होता, इन डेप्ट इन अ डेप्ट नहीं होता, इन जस्ट होता है लेकिन इन अ जस्ट नहीं होता, एट अ स्कूल नो गलत है, वो एट स्कूल होता है, बाय अ वाटर, अब देखो बाय अ वाटर क्या पानी को गिन सकते हो, नहीं ना, तो अब ए कहां लगता है, सिंगुलर काउंटेबल के साथ लगता है, ये हम शुरू से सीख रहे हैं तो यहां पर पानी को क्या गिन सकते हैं, नहीं, टू लीव स्कूल नो यहां पर ठीक है, टू ले सीज ये ठीक है, अ ले सीज नहीं होगा, एट अ होम नहीं आएगा, एट होम करेक्ट है यहां पर, टू सेट सेल, टू टेक ब्रीथ, टू कैच फायर, बाय कार, बाय बस, बाय लैंड, बाय ट्रेन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये वाले लास्ट वाले गंद में कितना मारता हूं, देखो कभी भी बाय अ कार नहीं होता, ग्रामर की सबसे बड़ा ब्लंडर है ये, यू नो व्हाट इज ब्लंडर, ब्लंडर इज व्हाट, बहुत बड़ी गलती होना, कभी भी बिग ओ ब्लंडर नहीं होता, ब्लंडर का मतलब ही अपने आप में गलती होता है, तो बिग ब्लंडर नहीं होता, ओके मेरे साथ रहेंगे तो ऐसी चीजें बहुत सिखा दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, तो कभी भी बाय ट्रेन नहीं होता, बाय अ ट्रेन नहीं होता, बाय ट्रेन इज द करेक्ट आंसर, बाय अ कार नहीं होता, बाय कार इज द करेक्ट आंसर, बाय लैंड नहीं होता, बाय अ लैंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बाय कार दो बार आ गया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट, बिफोर प्लूरल नाउन इन देयर मीनिंग बट सिंगुलर इन, देखिए आप एक बात बताइए, अब ये वर्ड जो है वो दिखने में सिंगुलर है लेकिन है ये प्लूरल, कैटल है, कैटल का मतलब क्या हुआ, जो पशु होते हैं उनको बोलते हैं, जेंट्री क्या हुआ, जो सभ्य लोग होते हैं, सूट बूट कोट वाले लोग होते हैं, फर्नीचर क्या होगा, फर्नीचर में सारा ही मेज कुर्सियां सब आ जाता है, सीनरी में सब कुछ आ जाता है, एडवाइस में भी, इंफॉर्मेशन में, बच्चे इसमें गलती करते हैं, इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, इंफॉर्मेशंस लिखने में गलत है, वो एडवाइजेस कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अ एडवाइस कैसे हो जाएगा, है ना, तो ये प्लूरल नाउन है ऑलरेडी, मीनिंग है इनके, तो सिंगुलर फॉर्म में दिखते हैं ये, ठीक है, इसलिए इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता, अ कैटल नहीं कहेंगे हम,
अरे भाई कैटल तो दो चार पशुओं को मिला के बनता है, तो उसके साथ हम और कैसे कह देंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे चर्च हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी, जेल, हॉस्टल, कोर्ट, कुछ भी हो, इनके नाम के साथ हम कभी भी आर्टिकल नहीं यूज़ करते। इसका रीज़न मैं बताता हूँ, इसको दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर कोई चीज़, ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ द सेंटेंसेस शोज द प्राइमरी पर्पस। मान लीजिए आप चर्च में हर रोज प्रे करने जाते हैं, मान लीजिए आप स्कूल में रोज पढ़ने जाते हैं या पढ़ाने जाते हैं, मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी में फिर पढ़ाने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं, वट एवर, जेल में हैं, किसी से मिलने जाते हैं, खाना देने जाते हैं, हॉस्पिटल में दवाई लेने जाते हैं या अपनी गवर्नमेंट ड्यूटी करने जाते हैं, कोर्ट में भी आप कोई भी गवर्नमेंट ड्यूटी करना चाहते हैं, डेली वेज आपका काम होता है, तो जब कभी भी एवरीडे वाला सेंस हो, हर रोज आप काम पे जाते ही हैं, तो उस केस में क्या नया है? कुछ आप क्लिनिक जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, उसमें क्या नया है बताइए? क्या कुछ नया करते हैं आप? वही काम जा रहे हैं, वही काम करते हैं, पेशेंट्स को मिलते हैं, मरीजों को मिलते हैं, जो भी वट एवर, यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या उसमें क्या खास है? नहीं। तो उस केस में आर्टिकल द आर्टिकल वगैरह नहीं लगता, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 14th, जो मैंने आपको बताया, स्टार लगाया मैंने, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगर आपका प्राइमरी पर्पस नहीं है तो हम ये वाला पॉइंट यूज करेंगे। इफ इट इज नॉट प्राइमरी पर्पस, जब आपका प्राइमरी पर्पस नहीं है तो उस केस में आप आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप चर्च के सामने खड़े हैं, चर्च के सामने खड़े हैं और आपने आप किसी का वेट कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज द लैंडमार्क। अब वो चर्च जो है वो एक तरह से लैंडमार्क का काम कर रही है। आप मान लो हॉस्पिटल के सामने खड़े हो, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग समवन, एंड उस टाइम पे आपको वो बंदा पिक करेगा, अरे यार आप कहाँ पे हो? आप यार मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ। अच्छा कौन से वाले हॉस्पिटल पे? अरे मैं सिविल हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ। कौन से वाले गेट पे? अरे वो बड़े वाला गेट यार, जो मेन गेट है जहाँ से पार्किंग लॉट आता है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो 5 मिनट रुको मैं आता हूँ। तो इसका मतलब है आई एम वेटिंग फॉर यू इन फ्रंट ऑफ द गेट ऑफ द सिविल हॉस्पिटल ऑफ द सिविल हॉस्पिटल। अब समझ में आ गया, यहाँ पे देखो ही पिक्ड मी, यहाँ पर ही पिक्ड मी आना चाहिए, या ऐसे कर लो ही पिक्ड टू हिम फ्रॉम द जेल, उसने जेल से उसको पिक किया, तो लैंडमार्क हो गया ना। ध्यान से देखना कहाँ द लगता है और कहाँ द नहीं लगता, ये बच्चों में बहुत यूं कह लो कि बड़ी एक मिस्टेक हो जाती है, तो बी केयरफुल। इस पॉइंट को दोबारा से एक बार रिवर्स करके दोबारा सुन लेना। आर्टिकल इज ओमिटेड आफ्टर द पोजेसिव केस। अब इस केस में भी आर्टिकल नहीं आता, माय ब्रदर्स कार, माय प्रेमलता कहने वाला था अभी, सॉरी प्रेमलता जी, इसको जो भी प्रेमलता सुन रही होंगी प्लीज उसको आप माइंड मत करना, तो प्रेमलताज हाउस ओके। चलिए आर्टिकल इज ओमिटेड विद द ईयर्स, ईयर्स के साथ भी नहीं लगता, जैसे डू 1947 वॉज द ईयर लगता है, लेकिन डेट्स के साथ नहीं लगता। इनके साथ भी देखिए, यहाँ पर देखिए नहीं लगा, ओके। डू यू रिमेंबर 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, भाई इन दिनों को तो याद ही मत करिए, तो मैंने ऐसे डाल दिया बस। चलिए आर्टिकल इज ओमिटेड फ्रॉम द नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के साथ भी नहीं लगता। आई एम प्लेइंग अ चेस, मैं एक चेस खेल रहा हूँ, क्या दो चेस होती हैं? तीन चेस होती हैं क्या? दो क्रिकेट होते हैं क्या? दो वॉलीबॉल होते हैं? नहीं ना, एक ही होता है ना, स्पोर्ट्स तो एक ही है ना, तो उनके साथ भी नहीं लगता। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नाउन बाय अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ नहीं लगता। देखो अब इस चीज को देखो, एवरी वर्ड का हिंदी में मतलब होता है हर एक। अब एक वर्ड ऑलरेडी एवरी का मतलब है, तो फिर एक यहां पर क्या काम? कोई काम नहीं है। जब एवरी हर एक का मतलब उसने बोल ही दिया, तो ए लगाने का क्या मतलब? तो फिर सुपरफ्लूज हुआ ना, सेकंड वाला सेंटेंस गलत हो गया, इसलिए फर्स्ट वाला सही हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर्टिकल ओमिटेड आफ्टर नंबर प्लस नाउन, कोई भी नंबर हो, जैसे नंबर हो गया, जैसे द ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म नंबर 1,
क्या है इसमें, आर्टिकल है ही नहीं, अ प्लेटफॉर्म नंबर वन नहीं आएगा। नेचर डू नॉट यूज आर्टिकल, कोई भी नेचर है, इन्वायरमेंट है, वो आर्टिकल यूज नहीं होता। ही इज प्लेइंग टू विजिट इन अ हिली, ही इज प्लानिंग टू विजिट इन अ हिली प्लेसेस इन विंटर, इफ यू इंटरफेयर विद नेचर यू विल सफर। कहाँ है नेचर के साथ, तो लगता ही नहीं है। नेम्स विदाउट द, जैसे कुछ ऐसे नाम है जो द के बगैर होते हैं, जैसे कोलकाता एयरपोर्ट, सी एस टी टर्मिनस, कहाँ है सी एस टी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, बठिंडा जू, बठिंडा जू को क्या कहते हैं, मैं भूल गया हूँ, चलो याद करके बताऊँगा, लॉर्ड एडविन प्लेस, गुरु रामदास एयरपोर्ट, सिटी पैलेस, कोई भी नाम हो, तो इनके नाम के साथ भी हम द नहीं लगाते। नो आर्टिकल इज यूज विद द नेम ऑफ एयरलाइंस, एयरलाइंस के साथ नहीं लगता। गाइज ये मुझसे एक ब्लंडर हुआ है, मैंने लास्ट लेक्चर में द इंडियन एयरलाइंस ऐसा कुछ, द एयर इंडिया ऐसा कुछ बोला था, आई बेग योर पार्डन, उस चीज़ को प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। ब्रिटिश एयरवेज, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट, इंडियन एयरलाइंस, आईबेल, बास्किन रॉबिन, बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा आती है ना, तो इनके नाम के साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको अगला चैप्टर जो होगा वो मिलेगा, नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे, आर्टिकल हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्टिव ऑफ अग्रीमेंट भी हो गया, चार चैप्टर मैंने करवा दिए, कोई बात नहीं। तो आगे जो आने वाले चैप्टर होंगे वो आपको आगे मिल जाएंगे, ठीक है, देखेंगे कौन सा चैप्टर करना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ओके। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।